जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 13वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से आगे की कथा सुनाते हुए कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, अब मैं तुम्हें वह वृतांत सुनाता हूँ जिस प्रकार इस मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त करके मैंने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया है। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शतरूपा हुआ है। शतरूपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों पुरुष तथा स्त्री ने मेरे पास आकर कहा है, हे पिताजी, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें ये आज्ञा दी थी कि तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव शिव शंकर भोलेनाथ जी का पूजन करो, उनकी तपस्या करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पा करके सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। मेरी आज्ञा को स्वीकार करके उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा है। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा है, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी, अतः आप हमारे लिए जो उचित समझे वही करें। यह सुनकर भगवान त्रिशूल पाणि प्रसन्न होकर कहने लगे हैं, हे मनु, तुम मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति करो, उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें तीन प्रकार के ऋण चुकाने होंगे जिन्हें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से ऋण होने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतनी बात कहकर भगवान श्री सदाशिव शिव शंकर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। मनुजी महाराज प्रसन्न हुए हैं। भगवान शिव की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया है। हे देवऋषि नारद जी, भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान प्राप्त करके मनु तथा शतरूपा मेरे समीप लौट आए और मुझे सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर मैंने भी उनसे कहा है कि तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। मेरी आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने दो पुत्र तथा तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया है। उनमें एक पुत्र प्रियव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। उसकी संतान भी अत्यंत शीलवान हुई। धर्म के कार्यों में उन सब की पूरी श्रद्धा भावना थी। सदा भगवान की भक्ति में लगे रहना उन सब का कार्य था। आगे चलकर उसी के वंश में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ, जिसको संसार भर में आज भी याद किया जाता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा सबका भला चाहते हैं, सदा सबका भला करते हैं। भगवान के भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। हे देवऋषि नारद जी, मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह मेरे पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। वह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय था। उसके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक दो संतानों की उत्पत्ति हुई है। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ था। उसके गर्भ से भगवान श्री कपिल देव जी महाराज ने अवतार लिया था। कर्दम मुनि के कला, अनुसूया, श्रद्धा, निवर्चा, कर्मागति, शांति, अरुंधति, ख्याति, वरहति तथा भरती नामक 10 कन्याएं भी हुई थी। इनमें से 9 कन्याएं मरीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु,
भृगु वशिष्ठ तथा अथर्वण नामक 9 ऋषियों को ब्याही गई। मनु जी की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ है। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। उनमें से दक्ष ने 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याएं चंद्रमा को दी हैं तथा 13 कन्याएं कश्यप को, 4 कन्याएं ताक्ष को एवं भूत अंगिरस तथा कृषाश्व को 2-2 कन्याएं विवाह दी हैं। उन सब से बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई है। उसी के कुल में हम श्री हरि विष्णु भगवान जी तथा भगवान महादेव जी ने जन्म लिया था। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ने मेरे पास आकर सब हाल कह सुनाया और यह पूछा है कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर मैंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह भगवान शिव शंकर जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और हमारी सारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। मेरी है आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर में अवतार ग्रहण किया है। हे देव ऋषि नारद जी, दक्ष की भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगन थी। मेरी आज्ञा पाकर उन्होंने तपस्या की है, इसी से भगवान की उन पर कृपा हुई है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने उनके घर में अवतार ग्रहण किया है। भगवान की भक्ति मनुष्य अगर करता है तो मनुष्य के जीवन में सुख शांति आते हैं। मनुष्य सांसारिक इच्छाओं के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होकर उनकी सांसारिक इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं, साथ में अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन जो भक्त सदा ही भगवान के चरणों में निष्काम भाव से अपने मन को लगाकर रखते हैं, बिना किसी सांसारिक कामना के भगवान की भक्ति सदा करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में भगवान की अनंत कृपा होती है। हे देव ऋषि नारद जी, मनुष्य का जीवन अगर किसी जीवात्मा को मिला है तो सबसे पहले उस कारण को खोजना चाहिए कि किस लिए भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। तो वो कारण तो एकमात्र यही है कि इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना तथा इस संसार सागर से निकलकर भगवान के धाम में चले जाना ही हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र कारण है। लेकिन यह ज्ञान साधारण तौर पर उपलब्ध नहीं होता है। मनुष्य को इसके लिए भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना होता है। भगवान के प्यारे संतों महात्माओं के चरणों की शरण में जाकर भगवान की कथा सुननी पड़ती है। भगवान के चरणों में प्रेम तभी होगा अगर हमारा मन भगवान के कथा सुनने में लगेगा। अगर भगवान की कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगता तो मनुष्य कभी भी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। हे देव ऋषि नारद जी, मनुष्य का जीवन मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसी जीवन में भगवान ने हमारा उद्धार करना है। भगवान ने तो कृपा करके मानव देह दे दी है, लेकिन उसके पश्चात मानव को स्वयं भक्ति के मार्ग की ओर चलना चाहिए ताकि भगवान की कृपा मिल सके और इस संसार सागर से मनुष्य का उद्धार हो सके। वैसे तो संसार सागर से उद्धार हो पाना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर मनुष्य भगवान की भक्ति की ओर लग जाए तो भगवान की कृपा मिलती है। मनुष्य जीवन में सुख शांति आनंद मिलते हैं। सांसारिक सुख भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के जीवन में कोई कमी रहने ही नहीं देते। लेकिन मनुष्य को ये चाहिए कि अगर भगवान की कृपा से संसार के सब सुख मिले हैं, सुख संपत्ति आनंद मिला है, तो अपने उत्पन्न करता सब सुखों को देने वाले भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए।
साधारण जीवन में यही देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में थोड़ा सा सुख संपत्ति आनंद आ जाए, थोड़ी सी भोग विलास की कुछ सामग्रियां मिल जाएं, तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। यही करना सबसे बड़ी गलती होती है। जिन भगवान की कृपा से सब सुख मिले हैं, उन भगवान को भूल जाना इससे बढ़कर कोई पाप नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए कि भगवान ने अगर सुख संपत्ति दी है तो हमारा मन भगवान के चरणों में ज्यादा लगना चाहिए, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भरना चाहिए। लेकिन मनुष्य संसार के सुख वैभव में इतना फंस जाता है कि वो भगवान को भी भूल जाता है। ऐसा करने से मनुष्य कभी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए अगर संसार में भगवान की प्राप्ति करनी है और साथ में संसार के सुख चाहिए तो सदा भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान के चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहीं पर श्री श्री महापुराण के पहले खंड के 13वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से बड़ी सुंदर कथा का आज वर्णन किया है और श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव की कथा अगर श्रद्धा भावना से सुनी जाए तो मनुष्य जीवन में सुखी हो सकता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।